वेलकम टू लॉर्ड ऑफ रोड्स। लॉर्ड ऑफ रोड्स में आपको एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे पास है यामा MT15 OVD2 वर्जन। इसके बारे में सारे डिटेल्स बताएंगे, क्या लेटेस्ट अपडेट्स हुआ इस बाइक में, ऑन रोड प्राइस क्या है, फिनेंस स्कीम क्या है, सारे डिटेल्स जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले इस बाइक की लाइट सेटअप की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए जो DRL दी गई है काफ़ी अट्रैक्टिव है, एक मस्क्यूलर रोबोटिक लुक इस बाइक में प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आपको हैलोजन प्रोजेक्टर लाइट मिल जाती है और लुक वाइज काफ़ी बढ़िया है और सारे LED सेटअप्स इस बाइक में आपको देखने को मिल जाता है। पर दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, इस बाइक में आपको USD सस्पेंशन मिलता है जो 155 सेगमेंट के बाइक में काफ़ी बढ़िया है। और इस बाइक में आपको मिलता है डुअल चैनल ABS, वो भी बाइबेरी के ब्रेक कैलिपर के साथ, जो काफ़ी एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम इस बाइक में प्रोवाइड करती है। वैसे इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS ही देखने को मिल जाता है क्योंकि ये टॉप एंड बाइक है। और साथ ही साथ अगर कलर कम्बिनेशन की बात करें, इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन आपको मिल जाती है। यहाँ पे देखिए एक MT15 का बैजिंग किया हुआ है, वो भी ऑरेंज कलर के साथ। तो टोन देखिए काफ़ी अग्रेसिव इसमें मॉडिफाई किया गया। और सबसे बड़ी बात, इसका जो USD सस्पेंशन का कलर है काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है इस बाइक के कलर कम्बिनेशन के साथ। यहाँ पे देखिए इंजन गार्ड भी आपको मिल जाता है। और अगर रेयर प्रोफाइल की बात करें तो पहली बात देखिए यहाँ पे 140x70x17 इंच का टायर मिल जाता है और टायर का लुक भी ऐसे काफ़ी अट्रैक्टिव है, जैसे कलर कम्बिनेशन आपको बताया ऑरेंज के साथ ब्लैक काफ़ी बढ़िया लगता है। और जो एग्जॉस्ट है वो भी काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ पे थोड़ा सा कार्बन फाइबर फिनिश टच आपको देखने को मिल जाता है। तो पीछे से भी काफ़ी अच्छा एक नेकेड लुक इस बाइक में आपको देखने को मिल जाता है। और पीछे भी देखिए ये सारे LED लाइट सेटअप इसमें काफ़ी बेहतरीन एक लुक प्रोवाइड करती है। और राइडिंग पोजीशन से देखिए यहाँ पे स्ट्रेट हैंडल बार आपको मिल जाता है, यहाँ पे फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। और साथ ही साथ जो फ्यूल टैंक है ये 10 लीटर का फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक काफ़ी शॉर्ट है और स्मार्ट लुक इसमें प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे देखिए E2 का बैजिंग भी आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ यामा MT का लोगो। और सीट यहाँ पे स्प्लिट सीट देखने को नहीं मिलता है, फिर भी सीट काफ़ी अच्छा क्वालिटी का बना हुआ है। यहाँ पे एक ग्रैब रील आप देख सकते हो पिलियन राइडर के लिए। और बाकी लुक वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी स्मार्ट लुक इस बाइक में आपको मिल जाती है। अगर इंजन की बात करें तो इसमें आपको 155 cc की लिक्विड कूल इंजन मिल जाती है जो 18 bhp का पावर और 14 nm का टॉर्क प्रोवाइड करती है। तो डिटेल्स के साथ साथ डेफिनेटली इस बाइक में एक बार बैठेंगे तो आपको बता दें, सबसे पहले फर्स्ट टाइम इस बाइक में मैं ऐसे बैठ रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट जो चीज़ मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इसका सीट हाइट है 810 mm, जो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। नॉर्मली 790 mm का सीट हाइट जो एकदम कंफर्टेबल राइड के लिए ठीक है, पर 810 mm भी कंफर्टेबल है। जैसे मेरा फिट पूरा ज़मीन तक आ गया है, बहुत कंफर्टेबली मैं इसमें बैठ सकता हूँ। वैसे मेरा हाइट 5'7" है, तो अगर 5'5", 5'6" बहुत आराम से इस बाइक में राइड कर सकते हो। और सीट हाइट छोड़ के भी इसमें काफ़ी सारे एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिल जाती है। सबसे पहले आपको बता दें इस बाइक का जो वेट है, 141 kg की इस बाइक की वेट है, तो काफ़ी लाइट वेट है। और लाइट वेट होने का कारण भी है, इसका जो फ्यूल टैंक है ये 10 लीटर की फ्यूल टैंक के साथ आता है। मतलब डेफिनेटली इसको लेकर लॉन्ग राइड में भी आप जा सकते हो, पर इसका जो मेन पर्पस है सिटी साइड में बहुत बेहतरीन एक राइडिंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करती है। जैसे इसका हैंडल बार देखिए काफ़ी स्ट्रेट है और मूवमेंट भी काफ़ी इजी है, तो ऐसे स्ट्रेट हैंडल बार लेके आप सिटी में मस्त चला सकते हो इस बाइक को। और डेफिनेटली इसमें जैसे पावरफुल एक इंजन आपको मिल जाती है, उसके साथ साथ टॉप स्पीड जो इस बाइक की है करीबन 130 किलोमीटर पर आवर तक आप टॉप स्पीड इस बाइक से निकाल सकते हो, जो रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा सेफ राइडिंग प्रमोट करता हूँ। तो मेरा डेफिनेटली हाउ टू राइड बाइक सेफली वो वीडियो ज़रूर देखें। बाइक राइड कर रहे हो तो सेफ राइडिंग बहुत ज़रूरी है, ऐसे 150 cc सेगमेंट बाइक लेके आप इतना तेज मत भगाओ तो भी अच्छा है। तो एवरेज अगर 80-90 मैक्सिमम स्पीड में अगर आप ये बाइक चलाते हो तो बाइक का इंजन भी अच्छी रहेगी और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात, स्पीड के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बाइक माइलेज कितनी देती है। तो वही सबसे खासियत है इस बाइक का, पावर के साथ साथ एक बढ़िया माइलेज भी आप इस बाइक से निकाल सकते हो। इस बाइक में आपको 45 से 50 तक आराम से आप माइलेज निकाल सकते हो। वैसे माइलेज अपने चलाने के ऊपर डेफिनेटली डिपेंड करता है, आप किस हिसाब से बाइक को रन करते हो, किस हिसाब से बाइक को थ्रॉटल करते हो, उसके ऊपर इसको लेके भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँ कि हाउ टू सेव पेट्रोल। तो उसके लिए कुछ एक दो टिप्स है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। पर इस बाइक से आप आराम से 50+ तक माइलेज निकाल सकते हो, जो सबसे खासियत है इस बाइक की। वैसे यामा MT15 काफ़ी सक्सेसफुल एक बाइक है, काफ़ी अच्छा सेल है इस बाइक की। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट सवाल और आती है कि इस बाइक की अभी लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस क्या है। अगर आप ये बाइक फिनांस में खरीदना चाहते हैं, मतलब एक अच्छा EMI स्कीम के साथ खरीदना चाहते हैं, तो मिनिमम डाउन पेमेंट क्या करना पड़ेगा?
तो जैसे इस बाइक का काफ़ी सारे अट्रैक्टिव कलर्स आपको मिल जाती है, पर प्राइस के हिसाब से इसमें दो वेरिएंट है, एक सिंगल चैनल ABS, एक डुअल चैनल ABS। तो सबसे पहले अगर सिंगल चैनल ABS की बात करें तो उसका ऑन रोड प्राइस पड़ जाएगा 2,04,085 रुपीज़। तो आपको पता ही है मैं अभी शिलीगुड़ी में हूँ, जो भी प्राइस मैं बता रहा हूँ अभी शिलीगुड़ी के ऑन रोड प्राइस है। तो अगर आप शिलीगुड़ी के रहने वाले हो तो यामा नेशनल मोटर्स में ज़रूर आएँ, ये सेवक रोड के एकदम पास ही है, काफ़ी अच्छा शोरूम है और शोरूम का डिटेल्स मैं स्क्रीन में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हो। अगर आप शिलीगुड़ी के रहने वाले हो तो ही कॉन्टैक्ट करना, क्योंकि यहाँ पे ऑन रोड प्राइस अलग है, अलग स्टेट का ऑन रोड प्राइस थोड़ा सा हाई या लो एंड में हो सकता है। तो अगर आप शिलीगुड़ी से हो तो ज़रूर यामा नेशनल मोटर में आइए, यहाँ पे बाइक देखिए, सारे कलर्स और सारे वेरिएंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जैसे हम बात कर रहे थे, ये बेस वेरिएंट है, बेस वेरिएंट मतलब सिंगल चैनल ABS, इसका ऑन रोड प्राइस है 2,04,083 रुपीज़, और जो डुअल चैनल ABS है उसका प्राइस है 2,07,052 रुपीज़। और अगर आप इस बाइक को फिनेंस में खरीदना चाहते हैं, मतलब मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ खरीदना चाहते हैं, तो अभी 40,000 से 50,000 मिनिमम डाउन पेमेंट करने के साथ ये बाइक मिल सकती है। अगर आप 50,000 मिनिमम डाउन पेमेंट करते हो तो 4 साल के लिए आप इसको EMI में कन्वर्ट करा सकते हो, और मंथली अगर एवरेज कैलकुलेट किया जाए तो 4,500 से लेके 4,800 मंथली EMI के साथ ये बाइक आप फिनेंस में कन्वर्ट करा सकते हो। तो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज यामा MT-15 के बारे में सारे डिटेल्स आपको बताया। डेफिनेटली कुछ नया अपडेट्स अगर आता है तो ज़रूर आपको शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे दूसरे कोई लोकेशन में दूसरा कोई बड़ी अपडेट लेके, तब तक के लिए सेफ राइड सेव लाइफ।